Students, today we are going to discuss class 10 geography, and it is the chapter 4 agriculture, and it is the 30th video of this chapter. तो बच्चों इसके पहले 12 video, 12 part already हम लोग discuss कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे points agriculture से related discuss किया गया है. तो बच्चों हम लोग ने last video में क्या देखा था? इससे पहले video में हम लोग food security का discussion करते हुए challenges के बारे में discussion किए थे. उसके भी पहले आप फूड सिक्योरिटी पार्ट फर्स्ट देखे थे, फिर पार्ट सेकंड देखे थे. ये फूड सिक्योरिटी पार्ट थ्री है बच्चों. फूड सिक्योरिटी हमने आपसे बताया था, इसको इस डीपली मैं आपको अच्छी तरह से ओवरव्यू इसका दिखाऊंगा कि आपके समझ में फर्स्ट और लास्ट आपको ये ना लगे कि अभी और फूड सिक्योरिटी पढ़ना है. तो यह आपका फूड सिक्योरिटी पे थर्ड वीडियो है बच्चों. आप इसमें चैलेंजेस देख रहे हैं एफसीआई को, मूवमेंट्स को किस तरह से फूड सिक्योरिटी लोगों को उपलब्ध कराने में चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. इस वीडियो में आप क्या देखेंगे बच्चों? इस वीडियो में आप देखेंगे इंपैक्ट ऑफ फार्मर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज कहां से और प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा आ रही है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका रीजन क्या, ओवरव्यू इस एक्टिविटीज को किसान किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उनको उसका रिजल्ट किसान को दिखता है, इसको हम लोग बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो यह आपका कौन थर्टीन पीडीएफ और वीडियो है जो आप देखने जा रहे हैं. इसमें आप देखिए सबसे पहले फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी में आपको क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले इन एफिशियंट वाटर मैनेजमेंट, इनएफिशियंट वाटर मैनेजमेंट, इनएफिशियंट सफिशियंट और इनएफिशियंट वाटर मैनेजमेंट मीन्स सुटेबल ना होना, वाटर को एक व्यवस्थित तरीके से ना होना. ऐसा होता क्यों है बच्चों? वाटर स्कर्सिटी बाई पंपिंग ग्राउंड वाटर. जब आप वाटर को पंपिंग ग्राउंड वाटर से आवश्यकता से ज़्यादा यूज करेंगे तो वाटर स्कर्सिटी होगी, वाटर की कमी होगी. That means एक ही प्लेस पे अगल बगल कई पंपिंग मशीन आप लगा दीजिए, कंटिन्यू उसको ऑन कर दीजिए, क्या होगा आपको पता है? एक निश्चित कहीं न कहीं रिसोर्स का आपका एक लिमिटेशन है, तो क्या कंटिन्यू आप कितना यूज करेंगे? तो इससे एक्सेस यूज के कारण वाटर एक्सेसिटी होता है. और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, लोग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज करना चाहते हैं, पंपिंग सेट को लगाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कई तरह से इससे रिलेटेड सब्सिडी दे देती है किसानों को. वाटर से रिलेटेड, पंपिंग सेट से रिलेटेड छूट दे दिया गया, सब्सिडी दे दिया गया, प्राइस कम कर दिया गया, तो मैक्सिमम लोग पंपिंग मशीन लगा लिए, उससे रिलेटेड फूड तैयार करने लगे. इससे वाटर स्कर्सिटी हुई, वाटर की कमी हुई, कमी होगी और लैंड क्वालिटी डिप्लेट, लैंड क्वालिटी भी घटी. अब आप देखिए फार्मर विल यूज फर्टिलाइजर एंड केमिकल. और फार्मर्स क्या करेंगे? फर्टिलाइजर और कई तरह के केमिकल्स का भी प्रयोग करेंगे. वो इसलिए करेंगे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका बेनिफिट बढ़ेगा. सो लैंड प्रोडक्टिविटी टू बी लॉस डिक्रीज. ऐसे स्थिति में क्या होगा? डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, एक्सेस वाटर यूज किया जाएगा, तो क्या होगा? लैंड प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी फीचर्स गिर जाएगा, लैंड के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फैक्ट ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे, उससे फर्टिलिटी सॉइल्स की घट जाएगी. आगे देखिए बच्चों उसका इंपैक्ट क्या होगा फार्मर्स, इंपैक्ट ऑफ फार्मर. अब आप देखने जा रहे हैं इंपैक्ट ऑफ फार्मर. अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा सरकार के द्वारा दी गई कुछ व्यवस्था और सरकार फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कि उसका किस तरह से
फार्मर अपने बेनिफिट में यूज किए, उसका लॉस कहां पे हुआ, एज ए चैलेंज कैसे फूड सिक्योरिटी के लिए बन गया, लैंड की वैरायटी फर्टिलिटी गिर गई कम। अब आप इंपैक्ट उसका देखिए, स्मॉल फार्मर विल नॉट सस्टेन्स, स्मॉल फार्मर छोटे किसानों के लिए प्रॉब्लम्स होगी, बट लार्ज फार्मर मे सस्टेन्स, बड़े किसान अपने आप को सस्टेन्स कर लेंगे, इस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान जो एक निश्चित कल्टीवेशन पे, निश्चित ग्रेन पे, निश्चित प्रोडक्शन पे चलते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि उनका एक निश्चित प्रोडक्शन जो होगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, जो वो सेल करते हैं FCI को उसमें कमी आएगी, वैरायटी कम होगी, उनका लॉस नुकसान होगा, पंपिंग सेट क्या होगा, कम होने लगेगा, कम करना पड़ेगा, सरकार अपना सिस्टम चेंज करेगी, तो ऐसे स्थिति में छोटे फार्मर्स को भी प्रॉब्लम होगी, बड़े लोग अपने आप को कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, पंपिंग सेट भी अधिक कास्ट पे, अधिक वैरायटी का, अधिक क्वालिटी का मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वाटर लेवल भी डाउन होगा, याद रखिएगा, जब वाटर लेवल डाउन होगा उसके लिए छोटे फार्मर्स वाटर लेवल डीपली जाके उस मशीन को मैनेज करके नहीं मैनेज कर पाएंगे, बड़े फार्मर आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आगे आते हैं, ड्यू टू दीज कॉजेस फूड सिक्योरिटी इन रियली डेंजर पोजिशन, तो इस सारी परिस्थितियों से क्या होता है, फूड सिक्योरिटी पोजिशन में उसमें जिसमें डेंजर्स है, डेंजरस स्थिति है, बहुत अच्छे पोजीशन में फूड सिक्योरिटी जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं है, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल डिसएडवांटेज। अब आप देखिए ये क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल डिसएडवांटेज, किस तरह से फार्मर्स को एक दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज को भी डबल कैसे आता है, इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके कोर्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, विच टाइप्स ऑफ डबल डिसएडवांटेज प्रॉब्लम्स टू कम अंडर फूड सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, यू बी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। हाँ देखिए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, फार्मर्स क्या करता है, फार्मर्स अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, HYB अच्छे वेराइटी के सीड्स का यूज, जब अच्छे वैरायटी का सीड्स यूज करेगा उसका रेट ज़्यादा होगा, महंगा होगा, उससे प्रोडक्शन का कास्ट बढ़ेगा, और फर्टिलाइजर डिफरेंट टाइप के कास्टली फर्टिलाइजर यूज करेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, फार्मर्स अच्छे क्वालिटी का सीड यूज किए, मैक्सिमम लेबर चार्ज किए, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज किए, आवश्यकता अनुसार सब कुछ यूज किए, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्शन बढ़ गया, फार्मर्स विल हैव गिवन मैक्सिमम कास्ट टू प्रोडक्टिव दीज ग्रेन्स, अधिक प्रोडक्शन के लिए किसान को कुछ अधिक कास्ट खर्चा करना पड़ा, लेकिन उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या हुआ, हाई प्रोडक्शन। अब देखिए आप क्या होता है, हाई प्रोडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज मार्केट, पॉइंट पे आइएगा, जब प्रोडक्शन हाई हो गया तो मार्केट डिक्रीज हो गई, प्रोडक्शन हाई हुआ कैसे, उनको अधिक कास्ट एक्सपेंस करना पड़ा तब प्रोडक्शन हाई हुआ, लेकिन मार्केट डिक्रीज हो गई, डबल डिसएडवांटेज। अब क्या हुआ, फॉल इन प्राइस ड्यू टू हाई सप्लाई, जब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो कीमत क्या होगा, कीमत घट गया, आपको मालूम होना चाहिए, या मार्केट का एक फंडा होता है, मार्केट की स्ट्रेटजी होती है, इकोनॉमिक्स में आप कई बार पढ़े हैं कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा उसकी प्राइस घट जाएगी, प्राइस क्यों घट जाएगी, प्राइस इसलिए घट जाएगी कि प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण कंज्यूमर का एक लिमिट है, लेकिन प्रोडक्शन
का लिमिट नहीं है, प्रोडक्शन अचानक बढ़ा, इस सीजन में बढ़ा, हम कंज्यूमर वही है, तो कास्ट क्या होगी? कास्ट लो हो जाएगी। कास्ट लो इसलिए हो जाएगी, ये अगर कास्ट लो नहीं होगी तो प्रोडक्शन फार्मर्स को डंप करना पड़ेगा, उनका डिस्ट्रॉय, उस डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए कास्ट घटती है, जिससे सारा उनका प्रोडक्शन सेल हो। आगे देखे बच्चों, डिस्ट्रेस सेल, अब सेल जो है इस अकॉर्डिंग कम रेट में उनके दुखी आत्मा से जाने लगते, किसान दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? कि एक बार अधिक एक्सपेंस कर दिया, अधिक प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए, लेकिन सेल घट गया। अकस्मात सेल मस्ट बी मेड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर सेलर। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, उनके सामने इस तरह के कंडीशन आ गया, अनकंडीशनल पोजीशन आ गया, जिससे उनकी सेलिंग घट गई, उनके प्रोडक्शन का कीमत घट गया, और एक तरफ तो उनका रिस्पॉन्स, उनका रिजल्ट जो उनको मिलना चाहिए वो घट रहा है, और एक तरफ जो उन्होंने एक्सपेंस किया है वो बढ़ रहा है। सो दिस ड्यू टू दैट डबल डिसएडवांटेज, ये क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल डिसएडवांटेज किसके लिए है, ये फार्मर्स के लिए है। तो बच्चों इन वीडियो में आप क्या देख रहे हैं, इस वीडियो में आप मुख्य रूप से देख रहे हैं फूड सिक्योरिटी और उसका चैलेंजेस, किस तरह से चैलेंजेस, किस तरह से प्रॉब्लम्स फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए प्रमुख रूप से दिखाई देता है। लास्ट वीडियो में भी आपने चैलेंज देखा था, इस वीडियो में भी आपने प्रॉब्लम्स और चैलेंज को देखा। तो बच्चों अब लास्ट वीडियो फूड सिक्योरिटी का, जो फूड सिक्योरिटी पार्ट 4 होगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, किस तरह के सॉल्यूशन, किस तरह की व्यवस्था हो जिससे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस में इम्प्रूवमेंट आ सके, चैलेंज घट सके, चैलेंज ना हो, और व्यवस्था को एक निश्चित लाइन में लाया जा सके, सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था को मैनेज किया जा सके। सो बच्चों अब यही पे इस वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। सो बच्चों बाय एंड थैंक्स बच्चों टू ऑल ऑफ यू।